बारिश के बाद देख सकते हैं सड़कों का जो पानी है वो घरों में घुस चुका है और घर के लोग काफी परेशान हैं। ये हम घर में जाने का प्रयास करेंगे और देख सकते हैं जो पानी है वो घर में लबालब भर चुकी है और ये और अंदर आएंगे और पहले घर का नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरह से जो बारिश का पानी है, जो सड़क का पानी है, यहाँ पर जो सड़क है ऊंचा नहीं बनाया गया जिसके चलते समस्या हुई। और ये देखते हैं किस तरह से जो किचन है वहाँ तक पूरा पानी पहुँच चुका है। ये बाढ़ का पानी है, बारिश का पानी है। हम लोगों से जानने का प्रयास करें, दई कतक समस्या हो पानी भरे तब वो 3 दिन के खाए नहीं बाबू पतियाबे तान घात जा खात हन हम। हाँ अस्तेज भरत रहते हमेशा असने अब 10 बच्चर हो गए भरत। हाँ पंचायत के मन काय करते वो मन कछु नहीं करे आ देखे तक नहीं आए अभी ले। हाँ पानी भरे कब ले कौन दिन ले भरे चालू हुई अबे परसों चालू हो गए भैया पानी भरे ला और रात भर पानी गिरते छे नगर पंचायत के कोई ध्यान देबे नहीं करे काय कम करता हम। मैं तो साग भाजी किसानी खेती करता हूँ। अभी तो समस्या हो गई अभी बहुत समय से मैं सुबह से एक बार बस खाऊ होटल में खा मैं देख सकते हैं पानी भरा है और ये बाल्टी रखे हैं ये लोग इन्हीं बाल्टी से पानी को निकाल रहे हैं अपने घरों से ताकि ये घर का जो पानी है बाहर निकल जाए और अपना जीविकोपार्जन रोजी रोटी पूरी तरीका से कर सके। कहीं ना कहीं प्रशासन और पंचायत स्तर के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि जो सड़क का पानी है वो यहाँ से घर में जा रहा है तो इनको ऊँचा करना चाहिए ताकि लोगों को इसको लेकर कोई समस्या ना हो। योगेश यादव न्यूज़ 18 बलौदा बाजार।